नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू शहर के आसपास के क्षेत्रों से चार पहिया वाहन किराए एवं गिरवी रखने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश महू पुलिस ने किया। गिरोह से 44 चार पहिया वाहन एवं चार आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। महू पुलिस ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि किराए एवं गिरवी रखने के नाम पर चार पहिया वाहनों के फर्जी कागज बनाकर बेचने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिस पर पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायण चारे मिश्र, उप पुलिस निरीक्षक मनीष कपूरिया, SP इंदौर पश्चिम जोन महेश चंद जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, SDOP विनोद शर्मा आदि के द्वारा वाहनों की अफरा तफरी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी दिलीप कुमार पुरी के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा अनुबंध कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर वाहनों को गिरवी रखने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। फरियादी राजू पिता रमेश मसाल निवासी फिरोज गांधी नगर परदेसी पुरा इंदौर एवं फरियादी कृति पति हरीश शर्मा निवासी काली बिल्लो देपालपुर की शिकायत के आधार पर महू थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। फरियादी द्वारा बताया गया कि चार पहिया वाहन को देवेंद्र ठाकुर एवं उसके साथी श्याम सुंदर दीपक रघुवंशी व रितेश वर्मा द्वारा किराए पर लिए जाते हैं और अनुबंध पत्र देवेंद्र सिंह ठाकुर के नाम पर वाहन मालिक के साथ किराया अनुबंध में किया जाता था, लेकिन आरोपियों द्वारा फर्जी कागज तैयार कर वाहनों को बेच दिया करते हैं। इन आरोपियों के पास से 44 चार पहिया वाहन जब्त किए, जिनकी बाजार कीमत 5 करोड़ से अधिक बताई गई है। इस गिरोह का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी दिलीप कुमार पूरी, उप निरीक्षक देवेंद्र पाल, उप निरीक्षक मुकेश कनासिया, उप निरीक्षक संगीता पारिया, उप निरीक्षक निकिता चौहान, सहायक उप निरीक्षक मेहताब सिंह प्रधान, आरक्षक विजय यादव, राकेश सिंह चौहान, मुकेश नागर, सज्जन सिंह चाम, विश्वकर्मा, नीरज आदि का सराहनीय सहयोग रहा। साथ ही पुलिस अधीक्षक इंदौर पश्चिमी द्वारा सभी को नगद इनाम की घोषणा भी की गयी। जब ये सूचना थाना प्रभारी को आई, थाना प्रभारी ने एडिशनल SP मऊ श्री पुनीत गहलोत और SDOP मऊ श्री विनोद शर्मा की जानकारी मिलाए और इन तीनों के द्वारा संयुक्त प्रयासों से थाना प्रभारी मऊ श्री दिलीप पुरी और उनकी टीम के द्वारा जब सुरेंद्र ठाकुर को पकड़ा गया और गाड़ियों के बारे में पूछताछ किया गया तो जो जानकारी आई वो बड़ी आश्चर्यजनक थी। हमारे पास इनिशियली 2 फरियादी थे, परंतु जब सुरेंद्र ठाकुर को बुलाकर पुलिस ने गाड़ियों के बारे में पूछताछ की तो उसकी निशादेही से अभी तक पुलिस ने जहां जहां उसने गिरवी रखी थी 44 गाड़ियां, जिसमें हर कंपनी की हर ब्रांड की 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए से लेकर 10-12 लाख रुपए तक की गाड़ी है, वो इसके कब्जे से बरामद की गई। अभी तक 44 फरियादियों में से 43 हमारे सामने उपस्थित हैं। उम्मीद है कि जब ये आप सबके माध्यम से मार्केट में जाएगी तो कुछ फरियादी और आ सकते हैं। सुरेंद्र ठाकुर के साथ में उसके साथ साथ उसके 3 अन्य साथी श्याम सुनेरे, दीपक रघुवंशी व रितेश वर्मा भी इस आपराधिक कृत्य में शामिल थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि ये पहले संपर्क करते थे कि भाई आपके पास अगर गाड़ी है तो हम उसको किराए से लगा देंगे और आपको अच्छा किराया मिलेगा। ऐसा भी आया, कई लोगों को इन्होंने गाड़ियां फाइनेंस करवा दी, 1-2 लाख रुपए उसके दिए और उसको गाड़ियां फाइनेंस करवा दी कि जितना आपकी फाइनेंस की किस्त आएगी उससे ज़्यादा आपको मंथली किराया मिलेगा, और बाद में 2-3 महीने का किराया दिया, किसी को 1 महीने का दिया, बीच में 2 महीने लॉकडाउन का बहाना बनाया और इस तरह से इसने फर्जी कागज बनाकर इन गाड़ियों को अपनी बनाकर आसपास के क्षेत्र में उनको बेच दिया या गिरवी रख दिया। तो इस प्रकार से देवेंद्र ठाकुर जो मूल अपराधी है वो देवेंद्र ठाकुर तथा उसके साथियों ने कम से कम 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा मार्केट में इस प्रकार की गाड़ियों को गिरवी रख के उसको अपनी अय्याशी में उड़ा दिया, अभी तक ऐसा पता लगा है। और उम्मीद है कि जब ये समाचार पब्लिक में जाएगा, जनता के बीच में जाएगा, तब और बहुत सारे फरियादी भी सामने आ सकते हैं। इसको मेरे स्तर से
10,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है। हाँ जी, बैंक के पता लगे हैं जो कि गाड़ियों को किराए से लेते थे, बाद में उसके फर्जी पेपर बना के दूसरे लोगों को तलाश करके जिनको ज़रूरत होती थी या उनको बोलते थे ये 10 लाख रुपए की गाड़ी है और हमें पैसे की ज़रूरत है तो आप 2 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपए दे दो, और इस तरह से उसके पास गाड़ी छोड़ देते थे। तो ऐसे अभी तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और जैसे मैंने बताया कि ये डेवलपमेंट है, आगे चल के इसमें और गाड़ियाँ या और आरोपियों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।